सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को साफ व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के संभोई गांव में पिछले 6 माह से हैंडपम्प खराब होने के कारण नथई सहित 200 लोगों को पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या कौन सी है आपको? पानी, पानी में क्या दिक्कत होती है? इधर 12 घर है पानी पीने वाले, 12 घर पानी पीने वाले हैं, 4 घर के आगे दीदी बाल्टी लेके, तब आधा घंटा उनके लग बैठो, फिर आधा घंटा बैठो, तो 10 घंटा पूरा ऐसे हो गया, भूख प्यास तो ऐसे मर गए, तो पानी दोबारा कहाँ मिली? इतनी देर क्यों बैठना पड़ता है आप लोगों को? जब पानी बम्बस नहीं निकलता है तो बैठे पड़ता है। अरे नंबर से पानी जाओ, जस आवत नंबर से, जस नंबर से आवत है वही नंबर से पानी मिला था, अब जो कोई आगे आ गया तो आगे मिल गया, फिर वही नंबर से बैठ रहा चुप्पे सन के, जब पानी जब बाद में मिलता है। हैंडपम्प ठीक करवाने के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किए हैं? प्रयास हम प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी हमारा बिगड़ा, कहा हाँ बन जाई, हाँ बन जाई, पाइप खोल के लाओ बन जाई, अब जब लाओ मिलवे नहीं तो बने कहा। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं बन जाए पाइप, तो पानी पीने की परेशानी, जब हम बैठे रहते 1 घंटा 2 घंटा उससे टाइम तो बर्बाद जो करते हैं, उससे तो आराम हमें मिल जाए। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इन हैंडपम्प का जल्द से जल्द रिबोर हो ताकि इनकी समस्या दूर हो। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94 54 46 45 75 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर कराई जा सके। मैं महेश कुमार, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।